हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज के इस वीडियो में हम टैली प्राइम के एक नए कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ सब्सक्राइबर्स का कमेंट था कि सर एक नई प्लेलिस्ट लाइए टैली प्राइम की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस तो डाल रखी थी अपने चैनल पे, लेकिन एक कम्प्लीट प्लेलिस्ट जो कहिए तो नहीं था अभी तक। तो कई लोगों का कमेंट आया कि सर एक अच्छी सी प्लेलिस्ट डालिए जिसमें हम पूरी तरीके से टैली प्राइम को सीख सकें। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना एक अच्छी प्लेलिस्ट ऐसी बनाई जाए ताकि आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल सके, कि जहाँ से आप टैली बेसिक टू एडवांस प्रॉपर तरीके से सीख सकते हो। तो आज मैं कुछ एक ऐसा ही सिलेबस तैयार किया हूँ आपके लिए, और जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और इसी से बेस आगे पूरा कोर्स होने वाला है, जिसमें अप्रॉक्स में 45-50 वीडियो के आसपास बनाने वाला हूँ, जिससे आपका पूरा जो टैली से रिलेटेड डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लो ना, तो आपको अकाउंटेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए देखते हैं कि प्लेलिस्ट में क्या क्या है। बाकी मैं बता दूँ कि ये जो कोर्स है ये प्रॉपरली जो है टैली प्राइम का जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, टैली का 4.1 समथिंग जो आया है नया रिलीज, उस पर बेस होने वाला है। तो आप कोई भी जो अपडेट्स वगैरह हैं कुछ मिस नहीं होने वाली हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन जो रहेंगी वो अप टू डेट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है और आप नए कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली प्राइम का फुल डिटेल सिलेबस है, ये आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या करेंगे पूरा डिटेल जो है सिलेबस देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी ये जो है पूरा टॉपिक जो प्लेलिस्ट रहेगा ये हमारे चैनल पे अवेलेबल है, माई पैशन टेक्नोलॉजी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स, चाहे एक्सेल हो, टैली हो, सब कुछ आपको चैनल पे बिल्कुल फ्री मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे सिलेबस में क्या है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है टैली का, कि टैली प्राइम कोर्स होता क्या है। ये टैली प्राइम कोर्स इक्विप्स यू विथ द स्किल ऑफ नेविगेट टैली प्राइम पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इट कवर द बेसिक लाइक क्रिएटिंग कंपनी। इसमें मतलब आप क्या क्या सीखने वाले हो, कंपनी वगैरह बनाना, इनवाइसिंग को मैनेजमेंट करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, टैक्सेशन वगैरह को मैनेजमेंट करना, और इससे क्या है कि आपको जो फाइनेंस और अकाउंटिंग जैसे रिलेटेड जो कैरियर्स हैं ना बिजनेस मैनेजमेंट में, वो काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं। और कुछ यहाँ पे बेनिफिट्स हैं जो आप देख सकते हो। इसका जो PDF है मैं आपको लिंक के द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो में, तो आप इजीली आप इस पूरे PDF को देख सकते हो। बाकी आप क्लियरली जब चाहो तो प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो, आप इसे रख भी सकते हो, क्योंकि सिलेबस इसमें है तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी, इम्प्रूव इफिशियंसी एंड इन्हेंस एक्यूरेसी, सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लाइंस एंड स्ट्रॉन्गर फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, कैरियर एडवांसमेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेबस मिल जाता है। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है, जिसे मैं चैप्टर नंबर 1 भी कह सकता हूँ, ओवरव्यू ऑफ टैली प्राइम कोर्स, इसमें हम थोड़ा सा ओवरव्यू बस देख रहे हैं सिलेबस का। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है व्हाट इज अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, उसके बाद हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग्स पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप टैली पे काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग आनी ज़रूरी है, इससे कोई भी मुखर नहीं सकता। क्योंकि क्या है, ये प्रॉपरली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो अकाउंटिंग आपको बेसिक अकाउंटिंग तो पक्का आनी चाहिए। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो साइंस में, जिन्होंने अपनी स्टडी 12th तक या ग्रेजुएशन तक साइंस में की हुई है और अब वो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आजकल क्या है जॉब वाला करियर वाला मामला बहुत दिक्कत वाला है, ऐसे केस में अगर आप अकाउंटिंग वाले करियर में शिफ्ट होना चाहते हो, अकाउंटिंग में आना चाहते हो, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप थोड़ी सी बेसिक अकाउंटिंग सीख करके टैली में काम कर सकते हो और अच्छा खासा जॉब सिक्योर कर सकते हो। तो अगर आप साइंस से हो तो आप जरा सा भी मत डरो, आप इस जो कोर्स है इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप प्रॉपरली अकाउंटेंट बन जाओगे, कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पे जॉब तो आपकी लग ही जाएगी। बाकी अगर आप कॉमर्स फील्ड से आते हो या आर्ट फील्ड से आते हो तो थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज ऑलरेडी होगा ही अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों का, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। ये कुछ कोर्स रहने वाला है, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा प्रॉपर सिलेबस मैंने बनाया है, बहुत काफ़ी छानबीन करके मैंने सिलेबस बनाया हुआ है, ताकि आपको जो है बिल्कुल बेसिक से लेकर के और एकदम एडवांस लेवल तक के सारा जो टॉपिक होता है वो सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। और मेरा भी जहाँ तक जो 2.5-3 साल का एक्सपीरियंस रहा है अकाउंटिंग फील्ड में, ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है, वो जो मुझे एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करने का प्रयास किया है। बाकी आप पूरा देख सकते हैं पूरा सिलेबस, मैं इसको लिंक के द्वारा देने वाला हूँ आपको, आप वहाँ से लिंक डाउनलोड करके इस PDF को, और वहाँ से आप पूरा प्रॉपर सिलेबस देख सकते हो। ये कुछ रहने वाला है। बाकी समय समय पे अगर मान लिया कुछ अपडेटेड आती हैं, अपडेट्स होती हैं और कुछ नया टॉपिक ज़रूरत पड़ता है, तो मैं वहाँ पे एक नई वीडियो भी ऐड कर दूंगा इस प्ले लिस्ट में। मैं अप्रॉक्स गेस कर रहा हूँ कि अप्रॉक्स 50 वीडियोज़ के आसपास
इस प्लेलिस्ट में जाने वाली हैं। तो आप देख सकते हो क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, अकाउंट्स में जर्नल एंट्री वगैरह, प्रॉपर डिस्काउंट वगैरह से रिलेटेड। मैं पहले सारी अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा, बेसिक अकाउंटिंग पूरी क्लियर कराऊंगा, उसके बाद हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसको मैं इंस्टॉल कराऊंगा प्रॉपर आपके कंप्यूटर में, आपको बताऊंगा उस तरह से आप इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद हम बेसिक कंपनी क्रिएशन वगैरह जो होती है टैली में उनको स्टार्ट करेंगे। पहले मैं कुछ 4-6 टॉपिक्स में आपको अच्छे तरीके से बेसिक अकाउंटिंग क्लियर कराने वाला हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलते रहें और आप इस कोर्स को पूरी तरीके से सीख सको। बाकी चैनल पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने एडवांस एक्सेल वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से समझा रखा है। जो भी आवश्यकता होती है वैसे अकाउंटिंग के साथ साथ आपको अकाउंटिंग, टैली और साथ में एक्सेल की भी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एज ए अकाउंटेंट काम करना चाहते हो, तो आप एक्सेल वाली भी वीडियोज़ देख सकते हो, वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो में कुछ इतना ही था, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।